सेकंड न्यूज में बिहार में जाति सर्वे से मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों की बात करें। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 10% आरक्षण, जनरल कैटेगरी में आने वाले न्यायिक सेवा में रिजर्वेशन, नीतीश कैबिनेट ने लिया फैसला। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सियासत, पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन जी तो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक, क्या कांग्रेस उन्हें भी धोखा देगी। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर चर्चा, सीएम नीतीश के नेतृत्व में पटना में हुई 9 दलों की बैठक, सभी दलों के नेताओं ने दी अपनी राय और सुझाव। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बैठक में हमने बताई जातिगत सर्वे की खामियां, सरकार ने ठीक करने का भरोसा दिया है। बीजेपी नेता घर घर जाकर सर्वे के दावे पर भी उठाए सवाल। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का बयान, नीतीश कुमार की सोच, केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले कराएंगे जातीय गणना, महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जातीय जनगणना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, ये तो एक पन्ने की रिपोर्ट है, पूरी जानकारी मिलने पर जनता करेगी विश्वास। बिहार सरकार के जाति सर्वे को चिराग पासवान ने खारिज किया, कहा राजनीतिक फायदे के लिए कराए गए बिहार सरकार की जाति आधारित गणना अस्वीकार्य है, फिर हो जनगणना। जाति जनगणना को लेकर पटना में दावा, स्थानीय लोगों ने कहा उनके घर सर्वे करने कोई नहीं आया, नहीं आई थी जातीय गणना की सर्वे करने वाली थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, पोस्ट किया डिलीट, जाति आधारित जनगणना नीति पर उठाए थे सवाल, पोस्ट को जयराम रमेश ने बताया था, सिंघवी की निजी राय। बिहार के जाति सर्वे पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, बिहार में हुए सर्वे की प्रक्रिया पर हुई चर्चा, नतीजों के मुताबिक लेंगे फैसला। शिवानंद तिवारी का बयान, हिंदुत्व का कार्ड खेल ही रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन हिंदू जातियों की मांग पूरी करनी होगी, जिसकी जितनी भी संख्या भारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। पीएम मोदी पर जेडीयू का पलटवार, ललन सिंह ने कहा कि जब जनता की आवाज नहीं दबा पाए तो अब जातीय जनगणना पर भ्रम फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करने वाले जाति जनगणना से ध्यान भटका रहे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, कांग्रेस की देश में जाति जनगणना की मांग, बिना सर्वे के बिना कोई भी नहीं जान सकता देश के वास्तविक हालात। जाति जनगणना के पक्ष में कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारे पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, ये कोई व्यक्तिगत स्टैंड नहीं, हम जाति जनगणना के पक्ष में। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।